नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक श्रोता कक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर तथा चार दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर हो तो इस कक्ष की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, उसने कहा कि कोई कमरा है यानी श्रोता कक्ष है और उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है, लंबाई अनुपात चौड़ाई ये हमको दिया गया है। कितना दिया है, 3:2। ठीक है, जो दिया हमने लिख लिया। अब इस हिसाब से जो हम लंबाई को अगर मानेंगे तो लंबाई क्या होगी हमारी 3x और चौड़ाई क्या होगी 2x। ठीक है, ये हमने मान लिया कि लंबाई हमारी 3x है और चौड़ाई 2x है। अब उसने हमें दिया है छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल कितना दिया है 600 वर्ग मीटर। ठीक है, हमें छत का क्षेत्रफल दिया है 600 वर्ग मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, छत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर हो जाएगा 600। लंबाई है 3x और चौड़ाई है 2x बराबर हो जाएगा 600। अगर हम गुणा करें 3 × 6 x² आ जाएगा बराबर 600। x² बराबर 600/6, 6 से काट देंगे आ जाएगा 100। तो x² बराबर 100, तो x बराबर कितना निकल के आएगा 10 मीटर, ये निकल के आ गया। ठीक है, हमने छत का क्षेत्रफल लिया। अब छत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई की वैल्यू रख दी, चौड़ाई की वैल्यू रख दी और सॉल्व कर दिया तो x की वैल्यू हमें यहां पर मिल गई 10 मीटर। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें मिल गई तो इससे हम अपनी लंबाई और चौड़ाई को निकाल सकते हैं। लंबाई कितनी थी 3x, क्या हो जाएगा 3×10 बराबर 30 मीटर। चौड़ाई थी 2x, 2×10 यानी कि 20 मीटर। अब हमें एक्चुअल में जो लंबाई चौड़ाई है उसकी वैल्यू मिल गई। अभी तो हमने सिर्फ मानी थी कि 3x लंबाई है, 2x चौड़ाई है, अब हमको पता चल गया कि एक्चुअल में लंबाई है 30 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर। अब हम लगा देंगे कमरे का क्षेत्रफल का सूत्र या फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर दिया है उसने हमें 1500 वर्ग मीटर। ठीक है, ये प्रश्न वाले ने हमें ही दिया है। अब हमें पता है कि कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 लंबाई + चौड़ाई × ऊंचाई बराबर हो जाएगा 1500। हमें लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू पता है, L है 30 और B है 20 गुणा H बराबर 1500। करेंगे यहाँ गुणा 30 और 20, 50, 50 × 100 क्या हो जाएगा 100 × H बराबर हो जाएगा 1500। तो H बराबर निकालेंगे तो 1500/100, 100 से काटेंगे तो सीधा सीधा 15 बार जाएगा यानी हाइट कितनी निकल के आ गई, हाइट निकल के आ गई 15 मीटर। ठीक है, तो जो कक्ष बना है, श्रोता कक्ष बना है, उसकी यहाँ पर ऊंचाई निकल के आ गई 15 मीटर। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने बता ही दिया था कि छत के क्षेत्रफल से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू से हमें लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगा, फिर हम चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे जो कि होता है 2 लंबाई + चौड़ाई × ऊंचाई बराबर 1500 कह दिया, सॉल्व कर दिया तो हमें यहाँ पर ऊंचाई मिल गई 15 मीटर, यानी कि जो श्रोता कक्ष बना है उसकी ऊंचाई है 15 मीटर। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।